जिस देश का राजा अपनी प्रजा को चौकीदार बना दे तो वो टायर की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चोरी हो जाएगा। राजा का काम होता है अपनी प्रजा को बहुत मजबूत करना, सुरक्षित करना, ये नहीं कि उसको चौकीदार बना देना। देखिए, अखिलेश जी को टोटी चोर कह देते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि जो टोटी चोर कहने वाले लोग हैं वो अगर अपनी कोई चीज़ अपना बंदा अपनी ले, मैंने ही कोई चीज़ पशु पाला या कोई भी चीज़ की है, मैं उसे लेके जा रही हूँ, वो तो आप भी जानते हैं मीडिया क्या दिखाती है और क्या करती है। अब वो टोटी चोरी थी या हो सकता है मे बी मोदी जी ने वो टोटी चोरी की हो, हम भी कह दें, है ना। तो वही वाली बात है कि अखिलेश जी के ऊपर इस बात का ब्लेम क्यों लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो नहीं मानूंगी इस चीज़ को भी कि टोटी चोर कहा जाता है, ये तो चौकीदार चोर हम भी तो कहते हैं भाजपा में, मोदी चोर मोदी चोर मोदी चोर हम भी तो कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज हिंदू मजबूत हुआ है देश में और उत्तर प्रदेश में जब से योगी मोदी की सरकार आई है। अगर हिंदू इतना मजबूत हुआ होता तो हिंदू ही का इतना हत्या ना होती। जो आज हत्या प्रदेश बन गया वो हिंदुओं की क्यों हत्या हो रही है। और मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं क्या पूछना चाहूँगी इस देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से, उत्तर प्रदेश में 700 कुछ ब्राह्मण खत्म हो गए, हत्या कर दी गई गोली मार के, अभी पांच यादवों की हुई, उससे पहले यादवों की हुई, दलितों की भी होती है। मैं सभी दलित के लिए भी बोलूंगी और खासकर ब्राह्मणों के लिए जानबूझ के बोलूंगी, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। मैं पूछना चाहूंगी ना, जो योग आपने करा हुआ है, योगी आपको नाम दिया गया है, जो भेष आपने धरा हुआ है वो आपने भगवा रखा हुआ है, तो अगर इसी भगवा राज में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो इसे कौन सा प्रदेश कहेंगे? आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी जगह पर तो ब्राह्मण बैठे हैं, अगर वो बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कब होगा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का? देखिए, सुरक्षित तो हम जब ही होंगे जब हम सही निर्णय ले लेंगे। जब एक मठ वाले इंसान को, हमने मठ में घंटा बजाने वाला इंसान, पूजा अर्चना पता नहीं कैसे करने वाला इंसान को बिठा के आप सरकार में बिठा देंगे तो उससे उम्मीद क्या करेंगे, सरकार थोड़ी ना चलाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने बाकायदा कह दिया है कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि कितने किसान इसमें शहीद हुए हैं या जिनकी जान चली गई है। देखिए, मोदी सरकार ये कह रही है कि डाटा नहीं है, अगर डाटा नहीं है तो लखीमपुर खीरी में क्या ऐसी की तैसी करवा रही थी फिर? ये भी तो है, अगर नहीं है डाटा तो लखीमपुर खीरी में 5 लोग शहीद हुए ना, तो मैं उन 5 लोगों के लिए ही कहूँगी एकदम कि उन 5 लोगों के बारे में तो पता ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हो या मोदी सरकार हो तो उन 5 लोगों का तो पता ही होगा। तो ये कैसे कह सकती है कि सरकार डाटा नहीं है, जब जब जो शहीद हुआ सभी को पता है उस चीज़ का। और रही बात डाटा की बात, तो किसानों से आके किसानों से डाटा ले लो। मैम, जो तीनों किसान कानून है वो मोदी सरकार ने जो है वापस ले लिए हैं, क्या लग रहा है आपको, किसान कब तक चले जाएंगे यहाँ से? देखो, किसानों की और भी डिमांड्स है, और रही कि तीनों कानून बिल की बात, ये तो वापस होने थे और ले भी लिए हैं। और इसके बाद सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो 700 किसान की शहादत हुई है, आज भी 3 तारीख है, और 3 तारीख को ये ना भूलें सभी, आज 3 तारीख के दिन आप मेरे को, मैं आपके साथ में हूँ, और ये बड़ा संवेदनशील दिन है आज का दिन, क्योंकि आज ही के दिन लखीमपुर खीरी में 5 लोगों का जो आज के दिन जिनके शहीद हुए थे वो 3 तारीख की थी, तो इसे शहीदी दिवस भी कहूँगी, शहीदी दिन भी कहूँगी इस 3 तारीख को, क्योंकि इतिहास में लिखे गए दिन है ये जब शहीद हुए सभी लोग। तो सबसे पहले देश का मौजूदा, देश का राजा, देश के कहे जाने वाले प्रधानमंत्री ये ना भूले कि जो 700 किसानों ने शहादत दी है उनको शहीद का दर्जा मिले, पूरा दर्जा मिले, जैसे कि आर्मी के सभी आर्मी के जितने लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाता है उसी प्रकार से दर्जा दिया जाए। और जिनके पालन पोषण करने वाले लोग जो इस धरने में गए हैं, बड़े बुजुर्ग जिनके परिवार अब ऐसे ही रह गए हैं, उनके पूरा भरण पोषण का जिम्मा ले सरकार। लेकिन मोदी जी का एक बयान आया था कि हम जो है लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं, और जो कोई स्ट्राइक करते हैं हमारी सेना तो वो कहते हैं कि हमने 350 आतंकवादियों को मार दिया है पाकिस्तान की सीमा में जाकर, वो दूसरे देश की जो है संख्या बता देते हैं कितने आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अपने ही देश में जब किसानों की मौत हुई है, किसानों का कहना है कि 750 किसानों की जान गई है, तो इस पर क्यों हामी नहीं भरती है बीजेपी और उनके जो है नेता हैं? देखिए, जो पुलवामा में आप, मैं याद करवाना चाहूँगी कि पुलवामा में जब हमला हुआ था और बहुत लोग उस टाइम मारे गए, तो हम मोदी जी ने तुरंत हमारे यहाँ की सेना भेजी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था हमने पाकिस्तान के इतने लोग मारे, हमारे यहाँ का एक आतंकी मारे, लेकिन वो आतंकियों के एक भी शव नहीं हमने देखे। और जो हमारे जो लोग मरे थे, 40 लोग जो शहीद हुए थे उस टाइम पर, उनके सभी के शव जो हैं वो वापस आए थे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर मोदी जी जब ये कह रहे थे कि हमने भाई आतंकियों को इतने मारा, 350 नहीं 500 मारे, 1000 मारे, हर बार यही उनका वर्जन होता है, तो वो कहाँ, कौन सी ऐसी मीडिया है, कौन सा ऐसी चीज़ है जो वो दिखाई नहीं देते?
दिखाते तो हैं जो राष्ट्रीय मीडिया बोली जाती है हमारे देश की, टीवी चैनल हैं, वो तो शाम को रोजाना यही तो काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम और टेररिज्म पाकिस्तान हिंदुस्तान। एक बात बताएं, इनके पास दो ही तो मुद्दे हैं, हिंदू तो हैं, अयोध्या राम मंदिर, धर्म मंदिर। जब जैसे देश के किसान को वो नहीं पहचानते हैं, तो मैं भी नहीं जानती मोदी जी कौन है। अच्छा, एक नया बयान आ गया है केशव प्रसाद मौर्य साहब का, जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, कि अब जो है मथुरा की बारी है, वहाँ पे कुछ नया करेंगे वो 6 तारीख में। हाँ मैम, सुना है। देखिए मैंने 6 तारीख में नया क्या करेंगे, 6 तारीख में भी कुछ ना कुछ यही होगा कि जैसे अभी मैंने बीच में अभी कल भी सुना था कि कृष्ण नगरी है, है और वहाँ पर वही हिंदू तो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम तो मस्जिद गिराने की, जिस तरीके से मैंने सुना था कि वहाँ मस्जिद नहीं रहनी चाहिए हिंदुत्व की, कल मैंने, आप तो केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, मैंने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को कल सुना है, कल उन्होंने यही बात बोली थी कि देवनगरी है और कृष्ण नगरी है। हम मानते हैं मथुरा की, मैं भी एक ब्राह्मण लड़की हूँ, मैं मानती हूँ देवनगरी है, कृष्ण नगरी है, राधा रानी का निवास है, लेकिन निवास कहीं एक पर नहीं लिखा हुआ, ना यहाँ गाजीपुर पर लिखा हुआ, ना ही वो कृष्ण नगरी पर लिखा हुआ, निवास सभी का है, सभी धर्मों का है, सभी का है, ये देश सभी का है। जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो आने वाले चुनाव में क्या फिर से मुद्दा रहेगा राम मंदिर का, हिंदू मुस्लिम का, या विकास की बात होगी? देखिए एक बात सुनिए, अयोध्या की बात करूं, राम मंदिर की बात करूं, तो अब जैसे विधानसभा चुनाव है तो हम भी कह दें कि भाई अब की बार विपक्ष से बड़ा मंदिर बनाएंगे, बीजेपी से बड़ा मंदिर हम बना के दिखाएंगे, उनसे बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो सपा तो कह भी रही है कि हम जो है इतनी परशुराम जी की जो है बड़ी मूर्ति बनाएंगे, ये होड़ सी लगी हुई है पार्टियों में। देखिए जब जब ये लोग जैसा बोलेंगे, जब मंदिर मंदिर कहेंगे, अब हिंदुत्व चाह रहे हैं, तो अगर सपा ये कह रही है कि हम मंदिर बनाएंगे, तो किस बात की गलत कह रही है? परशुराम कहना गलत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अखिलेश जी तो जिन्ना की भी बात कर रहे हैं। तो देखिए सर्व जाति को लेके चलेंगे तो जिन्ना तो हमारे अभी राकेश टिकैत जी ने भी कहा है, कोई जिन्ना अलग तो नहीं है। देखिए हमने कहा भगवान ईश्वर तो सभी एक हैं, लेकिन ये बांट रहे हैं आपस में हिंदू मुसलमानों को इस तरह की बात करके, विकास की बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम को कौन बांट रहा है? हिंदू मुस्लिम को तो एक ही तो बांट रहा है, हमारे देश का राजा और हमारे देश का नीचे का एक और राजा, उत्तर प्रदेश का राजा और देश का राजा, दो ही तो है, और कौन बांट रहा है? ये तो सब एक है। यहाँ कितने मुस्लिम बैठे हुए, ये मेरे साथ मुस्लिम बैठे हुए, आप, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सिख है, यहाँ तो सब जाति है, कौन बांट रहा है? देश के जो हमारे बहुत ज्ञानी और इतने महान लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें राजगद्दी समाज दे दी गई, वही तो लोग बांट रहे हैं देश को। लेकिन तो हम लोगों में, सब में तो बहुत एकता है, ये देखिए वो हाथ मिलाएंगे, वो सभी लोग एक हैं। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, योगी सरकार में तो गाय भी सुरक्षित है। गाय तो मेरे यहाँ कल उठा के ले गए वहाँ से, क्या कहते हैं, मेरे एक पार्क में गाय हैं, हम लोग उनकी बड़ी सेवा करते हैं, तो वहाँ से गाय उठा के ले गए, गाय सुरक्षित होती तो गौशाला खाली क्यों पड़ी है भाई? गाय के मुद्दे लेकर ही तो आए थे, आपने कभी इतनी गाय और बैल देखे थे? सारी सड़कों पर आदमी से ज्यादा, इंसान से ज्यादा तो गाय बैल है आज के टाइम। लेकिन गाय की पूजा हो रही है ना बड़े तरीके से? पूजा तो बहुत पहले से हो रही है, हम और आप लोग हुए भी नहीं थे तब से हो रही है, इतिहास में है। गो तस्करों को सजा मिल रही है, जेल भेजे जा रहे हैं, जो गो आपको ये भी तो फर्जी कोई भेजा जा रहा है। अच्छा, फर्जी कौन लोग हैं? वो तो जो अपराध करते हैं उनको पुलिस पकड़ती है। एक बात तो बताइए, अपराध करते हैं, अपराधी जो है वो खुलेआम घूमते हैं, और जो फर्जी होते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है, तो ऐसा ही क्यों है? मैं तो ये एक बात मैं आना चाहूँगी कि लखीमपुर खीरी में तो जी अभी सामने ही है अपराधी भी और सब कुछ, तो क्यों नहीं बताओ, क्यों नहीं सजा मिली? देते ना सजा फिर, अगर आप इतनी ही बात करें जुडिशियल की, अन्य सब चीज़ों की, कि हत्या प्रदेश नहीं है, तो दो सजा। बीजेपी के लोगों ने बड़ा प्रचार प्रसार किया था 2019 में जब आम चुनाव आए थे कि मैं भी चौकीदार, और उन्होंने बहुत मजबूत बताया था प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ी घटना हो गई है, जो मिराज जो विमान है, जेट है, उसके पहिए ले जाए जा रहे थे लखनऊ से जोधपुर, लेकिन उस गाड़ी में से पहिया चोरी हो गया है मिराज विमान का जी। और लोग कहते हैं कि मैं भी चौकीदार, तो चौकीदार कहाँ चले गए आज वो? लेकिन जो एक प्रश्न पत्र होता है किसी भी परीक्षा का, वो चौकीदार है अगर, तो प्रश्न पत्र भी सुरक्षित नहीं कर पा रही। अब देखिए ये तो इस देश का दुर्भाग्य ही ऐसा है कि हमें ऐसा देश का मुख्यमंत्री मिला और ऐसे देश के राजा मिले हुए, केंद्र में बैठी सरकार ऐसी मिली है कि कोई भी देश के छात्रों के भविष्य से, किसान जो यहाँ बैठे हुए, इनके सभी के भविष्य से, मैं तो सभी के लिए कहूँ खिलवाड़, ऐसा खिलवाड़ छात्रों के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़। जो अखिलेश जी है उन्होंने करीब करीब 4 पार्टियों से, छोटी बड़ी जो पार्टियां, उनसे अपना गठबंधन कर लिया है, लेकिन अपने चाचा से गठबंधन नहीं कर पाए आज तक वो।
ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी आपको बहुत बहुत ही अच्छे रूप में एक आगाज़ मिलेगा देखने को कि चाचा सर्वप्रथम पार्टी में लगातार हैं, आप वर्जन भी पढ़ रहे होंगे, साथ है चाचा का आशीर्वाद, चाचा ने अभी मुलायम सिंह नेताजी के जन्मदिन पर भी दिया, उससे पहले भी लगातार वर्जन आप सुनी रहे हैं, और बहुत जल्दी मंच पर अगर दुनिया देखना ही चाहती है तो जल्दी ही मंच पर आने का काम शिवपाल जी करेंगे। लेकिन जब जब सरकार आई है अखिलेश जी की, मुलायम सिंह जी की, उत्तर प्रदेश में टैग लगा है गुंडा राज, जंगल राज, महिला सुरक्षित नहीं रहती हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी इसका भी। देखिए, आपने पूछ कहा कि टैग लगा, मैं अभी 5 साल में रही हूँ इसी सरकार, उसमें मैं विपक्ष में रही, 11 महीने की सरकार मेरे आगे रही, तो मैंने देखा कि जब भी कुछ होता था उस टाइम पर तो ये कहा जाता था कि भाई चीज़ें हुई, सब चीज़ें होती थी उस टाइम भी बलात्कार, लेकिन जो होता था मतलब जैसे कहते हैं किसी को मुआवजा देना है कोई भी चीज़ है, तो अखिलेश जी या सरकार बहुत जल्दी सहायता करती थी और करती है और करती थी, अभी भी कर रही है लगातार, लेकिन ये वाली सरकार कहाँ सोई हुई है। इतने सारे किसान शहादत पे चले गए, इतनी बहन बेटियों के बलात्कार हो गए, इतना ये पेपर लीक हो गए छात्रों के साथ में, अखिलेश जी की सरकार में छात्रों के साथ तो खिलवाड़ नहीं हुआ साहब, लैपटॉप बटे हैं, विकास हुआ है, आगरा एक्सप्रेस वे बना है, बहुत चीज़ें हुई हैं। लेकिन वो बयान जो दिया था मुलायम सिंह जी ने कि बलात्कार के वाले मामले में कि लड़कों से गलती हो जाती है, इनको कैसे हटाओगे। देखिए, हम आपको एक बात बताएं, अगर नेताजी ने कहा तो अभी अमित शाह जी ने एक बात बोली थी ना कि लड़कियां बाहर 12 बजे भी क्या कहते हैं स्कूटी पर चली जाएं तो सुरक्षित हैं। बताओ मुझे कौन सी लड़कियां सुरक्षित हैं जी, 4-5 लड़कियों के बलात्कार हो गए। मेरठ में भावनपुर में लड़की थी, हमारे यहीं की लड़की थी, मेरठ में भावनपुर में बैंकेट में ही हो गया बलात्कार, उसके खुद के उसी के लड़के ने कर लिया, तो भाई कहाँ की लड़कियाँ बताइए सुरक्षित है। लेकिन सपा में सब कुछ अभी ठीक से नहीं चल रहा है, मंच पे झगड़ा हो जाता है, माइक छीनते हैं लोग बाग, वो अपने पिता को धक्का मार देता है अखिलेश जी। ये तो आप 4 साल पुरानी बात बता रहे हैं, लेकिन चीजें तो याद रहती है ना, ये तो सब 5-4 साल पुरानी, ये तो चलता रहता है, ये सब उतार चढ़ाव है, कुनबा काबू में नहीं है ना। अभी हमने कुछ दिन पहले सुना था कि योगी जी को क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं, बहुत झगड़ा हो रहा था अंदर है ना, तो वहाँ भी बहुत उतार चढ़ाव तब हो रहा था। ये तो जब होता है, दो बर्तन होते हैं थोड़े बहुत हो जाता है ये सब चीजें। तो मंच पर माइक को लेकर झगड़ते हैं लोग बाग, ऐसा कुछ नहीं है मंच पर माइक को, क्या होता है जब भीड़ होती है तो मैं भी चाहती हूँ मैं भी बोलूँ, दूसरा भी चाहता है, ये भी चाहते हैं मैं भी बोलूँ, वो चाहते हैं मैं भी बोलूँ, सभी चाहते हैं। लोग कहते हैं कि जो अखिलेश जी अपने पिता को धक्का मार देते हैं तो अन्य पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं उनको कैसे समेट पाएंगे। जब अभी आप लगातार देख रहे होंगे और लगातार देखते आ रहे होंगे, वही अखिलेश जी हाथ पकड़ कर लाते हैं नेताजी का, नेताजी बहुत गंभीर स्थिति में, मिलकर भी आ रही हूँ, लेकिन वही अखिलेश जी बाकायदा आशीर्वाद भी दे रहे हैं, अभी जन्मदिन पर आपने देखा होगा नेताजी ने जन्मदिन पर आशीर्वाद भी दिया, इससे पहले जन्मदिन पर भी, तो बाप बाप ही है, पिता पिता ही है, और सबके पिता हैं नेताजी तो बहुत सभी के लिए, और मैं यही कहूँगी ऐसा बाप बेटे के बारे में तो कह नहीं सकते। तो आप जो कुंडा का गुंडा कहा जाता है राजा भैया को, उनके लिए बोलते हैं अखिलेश जी कौन कौन प्रताप, लेकिन जो उनके पिता हैं वो मुलायम सिंह जी, उनको चाय पे बुला लेते हैं, वो ये बधाई देने जाते हैं, और ऐसा होता है अब ऐसे तो विपक्ष है, आप किसी को देखिए कोई मर जाता है, कोई कोई बात किसी की मृत्यु हो जाती है तो सब अपनी संवेदनाएं और सब कुछ हंसी खुशी सब देने जाते हैं भाई, तो कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तब भी भाई विपक्ष भी कहता है कि जी बधाई हो हार्दिक शुभकामनाएं। जो ऐसे मतलब जिन पे गुंडे होने का टैग लगा है क्या उनको भी पार्टी ऐसे अपनी पार्टी में ले लेगी सपा। देखिए गुंडा होने का टैग मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने, अगर गुंडा कोई आपका कोटा भी लगा था उन पे, कोटा भी लगा था राजा भैया पे, राजा भैया पे कोटा भी लगा था, कोटा